बच्चों, आपको मैंने पिछले वीडियो में जारी किया था कि कुछ समझ डेवलप हो, कुछ बोध हो जाए कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, और इसको समझने के लिए हम आपके पास कुछ लेक्चर टाइप की चीज़ें लेकर आए थे और हमने शेयर किया था। तो हमने पिछले वीडियो में आपको कुछ जो जानकारी थी रिटेल दी थी, उस पर हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं और आगे भी लेकर हम आते रहेंगे। आप सब प्रतियोगी छात्रों को ये पता है जो कुछ एक दो परीक्षाएं दे चुके हैं कि अक्सर परीक्षाओं में अब आजकल नए प्रश्न पूछे जाने का ट्रेंड बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें केवल पुराने प्रश्नों को हल करने से काम नहीं चलेगा, वो सहायक हो सकते हैं। इसलिए हम पुराने प्रश्नों के साथ साथ हम विषय पर फोकस करते हैं, टॉपिक वाइज फोकस करेंगे और आपको टॉपिक वाइज जितने भी प्रश्न बन सकेंगे कोशिश होगा उन सब प्रश्नों को शेयर करेंगे, ताकि आपकी SSC की चाहे ग्रुप सी की रेलवे की आपकी ग्रुप सी की परीक्षा हो या ग्रुप डी की परीक्षा हो, किसी राज्य सरकार की जैसे उत्तर प्रदेश के मामले में समूह की परीक्षा हो, लेखपाल की हो, चाहे वो सिपाही की हो या दरोगा की हो जिसको सब इंस्पेक्टर कहते हैं, इसी तरह से हर राज्य की जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बने हुए हैं, जहाँ भी जो समग्र की परीक्षाएं कराते हैं वो, और खासतौर से भी फॉर्म आने वाला है, आ चुका है और आप लोगों ने अप्लाई किया होगा वो SSC GD का भी, तो ये वन डे एक दिवसीय परीक्षाओं के को विशेष रूप से ध्यान करके बनाया गया है। इसमें आपको बहुत अच्छी सहायता मिलेगी, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। अब मैं आपको एक एक प्रश्न वाइज पढ़ता हूँ और उस पर हम आपको उत्तर भी बताएंगे, और हो सकता है इसमें से, चूँकि हमारा वीडियो आपने देखा होगा और आपने कुछ अध्ययन भी किए हैं, तो आपको इसमें से कुछ प्रश्न मालूम होने के साथ साथ ये पुनरावृत्ति भी हो जाएगी जो प्रश्न आपको पहले से मालूम है, और जितना ही पुनरावृत्ति होती है उतना ही प्रश्न और उसके उत्तर कन्फर्म होते हैं। तो आइए हम देखते हैं, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? विकल्प है दोस्तों अर्थव्यवस्था, विकल्प बी है अर्थशास्त्र, विकल्प सी है भूगोल और विकल्प डी है कृषि विज्ञान। अब हम इस पर फोकस करेंगे कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा उत्तर है। प्रश्न को पढ़ते ही तुरंत उत्तर देना चाहिए, GS के प्रश्नों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? वास्तव में इसका उत्तर हुआ अर्थशास्त्र। इसका क्या उत्तर हुआ? अर्थशास्त्र। प्रश्न नंबर दो हमारा है, जो हम पिछली बार वीडियो लेके आए थे उसी पर आधारित है। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो हमने पिछली वीडियो में देखा था, लेक्चर में था, और उसके हिसाब से आप विकल्पों में से उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। नंबर एक विकल्प है ए अर्थव्यवस्था, विकल्प बी है अर्थशास्त्र और विकल्प सी है आर्थिक भूगोल, विकल्प डी है व्यापार। ये चार विकल्प यानी चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन्हीं में से उत्तर है। और आप जानते हैं कि हर एक प्रश्न के सही होने की संभावना 25% है, क्योंकि 100% पूरा होता है और चार विकल्प हैं। लेकिन हमें हर जगह माइनस मार्किंग की समस्या से भी जूझना हो रहा है, दो चार होना पड़ता है, इसलिए हमें सटीक तैयारी, सटीक समझ, सटीक उत्तर देने की जरूरत है। हम एक अंदाज लगाकर 75% निगेटिव होने के रिस्क लेते हैं, क्योंकि एक अंदाज हमने लगाया, एक ट्रिक तुक्का मारा, इसका मतलब वो केवल 25% सही होने वाला है, और तीन प्रश्न और बचे हैं कि वो, इसका मतलब कि 75% गलत होने की संभावना। इसलिए हमें गलती पर फोकस नहीं करना है, एक्यूरेसी पर फोकस करना है। और आइए आप उत्तर दे लेंगे, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, आर्थिक भूगोल और व्यापार। इसमें से उत्तर होगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में यही चीज है, इसमें अर्थव्यवस्था अधूरा शब्द है, जब तक इसमें किसी देश का नाम नहीं जोड़ते हैं तब तक वह अधूरा रहता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, इस तरह से किसी देश का नाम जोड़ करके जब हम बोलते हैं तब वह पूरा होता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके ये परिभाषा आपकी जो ये पद है उसके हिसाब से अर्थव्यवस्था उत्तर हुआ। अब तीसरा प्रश्न है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? विकल्प है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा विकल्प मिश्रित अर्थव्यवस्था,
तीसरा विकल्प साम्यवादी अर्थव्यवस्था और चौथा विकल्प है राज्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो बच्चों आपको ये प्रश्न बहुत पहले से ही कक्षा 8वीं 9वीं से ही मालूम होगा मेरा ख्याल है, विश्वास है, लेकिन अगर किन्हीं एक को अगर मान लीजिए नहीं मालूम है तो उनको ये पता चल जाएगा अभी के अभी। इसकी उसका उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था। बच्चों हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि पिछली वीडियो में हम इस पर फोकस कर चुके हैं, इसलिए हम आप कहना चाहेंगे कि सीधे सीधे प्रश्न पर आइए, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है आपको पता ही है, और अगर पता है तो पुनरावृत्ति हो जाती है और पुनरावृत्ति से बहुत चीज़ें कन्फर्म होती जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं और इसका उत्तर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम विकल्पों को पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अब चौथे प्रश्न पर चर्चा करना चाहते हैं, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन मात्रा और कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसकी मूल्य क्या रखनी जानी है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका नियंत्रण, इसका फैसला कौन करता है? तो आप विकल्प देखें, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी। ये जो प्रश्न पूछा गया है फिर से एक बार रिपीट हो जाए, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन मात्रा और कीमत का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर हुआ, चारों विकल्प आपके सामने हैं, इसका उत्तर हुआ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये सब बाजार द्वारा इसमें नियंत्रित होता है। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन आपूर्ति यौम कीमत सबका निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है? तो अब आइए इसको हम समझते हैं विकल्पों में से। विकल्प नंबर ए है, पहला विकल्प है साम्यवादी अर्थव्यवस्था, विकल्प बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, विकल्प सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था और विकल्प डी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ये किस अर्थव्यवस्था की विशेषता नजर आ रही है जिसमें उत्पादन आपूर्ति और कीमत सबका निर्धारण सरकार करती है? तो देखिए इसका उत्तर हुआ समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे राज्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, वही इसका उत्तर है। अब अगले प्रश्न पर हम ध्यान देंगे, प्रश्न नंबर 6, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, यानी किन्हें माना जाता है कि इन्होंने अर्थशास्त्र की शुरुआत की, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? विकल्प है एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, लेनिन, इनमें से कोई नहीं। ये चार विकल्प आपके सामने हैं, तीन में से कोई नहीं तो वो हो गया, जब तीन प्रश्नों तीन विकल्पों में से हमें पता होता है तभी हम इनमें से कोई नहीं वाले ऑप्शन पर भी विचार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता होगा, और नहीं है तो समय बर्बाद करने के बजाय आपका समय कीमती है, हम इसको बताना चाहेंगे सीधे से इसका उत्तर, कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। आर्थिक विषय पर पहली पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखा? और ये जो पुस्तक है इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का वर्णन है, तो इसके लिए प्रश्न बनाया गया है कि आर्थिक विषय पर पहली पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है? इसका पहला विकल्प है ए अरस्तु, बी कार्ल मार्क्स, सी रूसो और डी है एडम स्मिथ। इसका भी दोस्तों उत्तर एडम स्मिथ है, क्योंकि इन्होंने ये पुस्तक पहली बार लिखी थी, ये पहली इनकी अर्थव्यवस्था पर अर्थशास्त्र पर ये पहली पुस्तक है। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन कभी कभी होता है, मैं बता देना चाहता हूँ, इतिहास में भी अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी गई है, लेकिन वह अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में लिखा, जिसका रचनाकार लेखक कौटिल्य विष्णुगुप्त के तीन नाम हैं और चाणक्य, तो उन्होंने किया था, उस वह राजनीति शास्त्र का विषय रहा है, जबकि ये अर्थशास्त्र आपका अर्थशास्त्र का है, उसका नाम जो चाणक्य ने लिखी है वह अर्थशास्त्र नाम से है, मगर उसे प्रशासनिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन है। तो उसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि कभी भी पूछ लेगा कि जो आर्थिक विषय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, इस पहले इसके पहले वाले प्रश्न में तो अर्थशास्त्र में कहीं गलती से भी आप चाणक्य न लिख दें तो ये जानते, हालांकि ऐसा नहीं होगा, जो लोग कभी अर्थशास्त्र नहीं पढ़े होंगे उनसे चाहिए चूक हो। अब आइए हम प्रश्न नंबर 8, आर्थिक दृश्य से भारत है, यानी भारत को आर्थिक दृश्य किस रूप में माना जाता है? तो विकसित माना जाता है नंबर 1 या नंबर 2 है अर्ध विकसित,
नंबर तीन विकल्प सी है अविकसित और नंबर डी है विकासशील। इस इन विकल्पों में से आप ध्यान दें कि आर्थिक दृष्टि से भारत को क्या माना जाता है, तो भारत को विकासशील देश की श्रेणी में रखा गया है। प्रश्न नंबर 9 है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र यानी जिसमें सरकार का नियंत्रण होता है, और सरकार सार्वजनिक क्षेत्र कहाँ कहा जाता है, जहाँ की जनता चुनती है सरकार, जनता चुन करके जब सरकार बनाती है तो सरकार की पूंजी जिसमें ज़्यादा लगी होती है, जो क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें उसे सब सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है, तो आप आए ये समझने की कोशिश करें। विकल्प पहले देखा जाए, मिश्रित अर्थव्यवस्था है विकल्प ए, विकल्प बी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, विकल्प सी है समाजवादी अर्थव्यवस्था और विकल्प डी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो जब दोनों का मिला जुला रूप है तो यहीं से स्पष्ट हो गया कि यह मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं, इसलिए ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। जैसा कि हमारे देश में भी यही अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, हमारे देश में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, वही उत्तर हुआ इसका। वे गतिविधियां जिनसे लाभ या हानि कुछ भी हो सकता है किसके अंतर्गत आती है, विकल्प है शेयर बाजार, व्यापार, कृषि और डी में है सभी आर्थिक गतिविधियां। दोस्तों आपको मालूम होता है कि शेयर बाजार में भी हानि या लाभ कुछ भी हो सकता है, व्यापार में हानि लाभ भी होते रहते हैं, कृषि में भी कभी बाढ़ कभी सूखा कभी कुछ नहीं हुआ है, तो कृषि भी रिस्की है, इसमें भी आप देख रहे होंगे कि भाई लाभ या हानि होती रहती है, लगाई गई पूंजी और निवेश जो भी हम उसमें लगा रहे हैं, श्रम संसाधन और पूंजी जो कुछ लग रहा है, समय भी लग रहा है, तो ये चीजें इसमें भी हानि लाभ होता है। और चौथा विकल्प क्या है आपका, सभी आर्थिक गतिविधियां, अर्थात इसमें आप जान चुके होंगे कि हमें क्यों मैं किस विकल्प का उत्तर लगाने वाला हूं, आप समझ चुके हैं कि सभी आर्थिक गतिविधियां इसमें जरूर फोकस किया गया है। गलती से शेयर बाजार पहले पॉइंट पर लिखा गया है, अक्सर उसमें उतार चढ़ाव होता है, जल्दी से कहीं उसको नाप लगा दें। ये व्यापार इसमें भी घाटा होता है और लाभ भी होता है, इसमें व्यापार में भी लाभ और घाटा होता है, हानि होती है, कृषि में भी यही स्थिति है। तो इस तरह से ये सभी जो है इसके विकल्प उसमें आ गए कि जिसमें आर्थिक गतिविधियां यानी कि ये सब आर्थिक गतिविधियों में आ गए। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी को अर्थव्यवस्था को राजवादी अवस्था भी अर्थव्यवस्था कहते हैं, तो आप पहले जान चुके हैं। विकल्प ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प बी है रूस, विकल्प सी है चीन और विकल्प डी है भारत। तो ये पूछा गया है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें से समाजवादी अर्थव्यवस्था का उत्तर आपका है, आप समझ चुके हैं कौन सा उत्तर लगाने वाले हैं, लगा दिया रूस। अब आइए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश की, अगर हम यहाँ पर प्रश्न करें निम्नलिखित थोड़ा सा रिमूव कर रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न इस तरह लिख दिया गया था, तो निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था, निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी नहीं है, क्या होना चाहिए, किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी नहीं है। तो देखें पहला विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है चीन और तीसरा इंग्लैंड, चौथा है जापान। तो ए बी सी डी ये 1 2 3 4 जो भी कह लीजिए, इसमें से आपका उत्तर मेरे ख्याल है कि कंफर्म हो चुका होगा, नहीं कंफर्म है तो आप जान लें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इंग्लैंड में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और जापान ने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है, तो उत्तर तो अपने आप स्पष्ट हो गया, यानी चीन में आपकी कैसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, अर्थात ये चीन ही आपका उत्तर हुआ क्योंकि चीन में कैसी है, साम्यवादी। अब आइए आपको निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी नहीं है, इसका उत्तर आपको सारे विकल्पों सहित मिल गया है और पर्टिकुलर प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर हुआ चीन। निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी नहीं है, तो उत्तर हुआ चीन, क्योंकि और सब विकल्पों में है समाजवादी पूंजीवादी, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी और जापान में भी। 13वां प्रश्न है भारत की कुल श्रम शक्ति का सर्वाधिक भाग किस क्षेत्र में लगा हुआ है या लगा है, तो नंबर एक विकल्प है उद्योग धंधों में, विकल्प बी है व्यापार में, विकल्प सी है कृषि में और विकल्प डी है मत्स्य पालन में। तो
कभी कभी ऐसा होता है कि दो विकल्प हम कंफर्म रहते हैं कि करता ही उत्तर नहीं है, तो दो विकल्पों में हो सकता है ऐसा, लेकिन माइनस मार्किंग से हमें जो दो चार होना पड़ रहा है, इसके लिए जरूरी है कि हम दो नहीं बल्कि एग्जैक्ट वह उत्तर दें जो हमारा उत्तर है। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा, मैं समझ चुका हूँ कि आप में से अधिकांश लोगों का इसका उत्तर पता चल चुका होगा, वैसे इसका उत्तर कृषि हुआ। इसका उत्तर क्या हुआ, कृषि में, यानी भारत की कुल श्रम शक्ति का सर्वाधिक भाग आज भी कृषि में लगा हुआ है। बच्चों आपको सिलसिलेवार मैं लेकर आऊँगा, और सिलसिलेवार लेकर के आपके सामने ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न थे, बहुत ही कॉन्सेप्ट में, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हम वनडे परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, हमें वनडे परीक्षाओं को फोकस करके ये बनाना है, तो बहुत डीप में तो नहीं जाना है, लेकिन नए नए प्रश्न भी बराबर बन रहे हैं, इसलिए हमें उस बात पर ध्यान देना होगा कि हम कॉन्सेप्चुअल टाइप के प्रश्न, बोधात्मक टाइप के प्रश्नों को भी पढ़ते हुए चले, न केवल फैक्ट वाले प्रश्न। आज फैक्ट वाले प्रश्नों के साथ साथ नए प्रकार के विषय आधारित, टॉपिक आधारित आपके बोधात्मक प्रश्न भी, कॉम्प्रहेंशन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जो सीधे फैक्चुअल नहीं होते, इसलिए आपको ये इन सब को आप बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे आपकी थोड़ी सी समझ पहले विकसित हो कि भाई ये अर्थव्यवस्था और ये क्या है, इसके वर्गीकरण जो है किए गए हैं, अर्थव्यवस्था का तीन वर्गीकरण किया गया है, वो अब ये तीन वर्गीकरण जो है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था, और ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये फिर कभी कभी साम्यवादी अर्थव्यवस्था बहुत पहले थी, सोवियत संघ जब हुआ करता था रूस में, सोवियत संघ, आज वो रूस हो गया, उससे कई देश निकल चुके हैं, तो उनको भी समझना जरूरी था, और इसकी शुरुआत किससे होती है इसको समझना जरूरी था। इन सब को लेकर के हम आपको 13 प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, और आगे भी आपको पसंद आए तो ऐसे मैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे भी मैं आपके लिए सरल बोधात्मक और कॉन्सेप्चुअल तथा फैक्चुअल दोनों तरह के प्रश्न, यानी कि सीधे सीधे जो प्रश्न होते हैं तथ्यात्मक, और जो समझ आधारित प्रश्न होते हैं, उनको दोनों को लेकर के मैं आगे भी आपके साथ अपनी जानकारी शेयर करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।